लाइट चला रहे थे फेसबुक, एक बार उधर वीडियो बोले। हाँ जी अंदर है, किसमें जी? अंदर है बस ठीक है। और तो कोई नहीं आ रहा ना? ठीक है। मुझे पता लगा कि मनीष ग्रोवर 10 गाड़ियों को लेके साथ में मिसक्रेंट और बदमाशों को बीच में बिठा के, और एक बोर का कोई लोहार लोहार नाम का आदमी है उसको भी अपनी गाड़ी में बिठा के सभी बूथों पे जाता है, सभी बूथों के एंटर अंदर करता है, एंटर वहाँ पर इंटिमिडेट करता है, जो वहाँ पर पोलिंग अफसर है उनको धमाता है और लोगों को भी वहाँ पर कुछ धमकाने की कोशिश करता है। मैंने एक मिनट मैंने नहीं कंप्लेंट कभी आते मैंने उसका पीछा किया। अल्टीमेटली मेरे को पता लगा कि काठमांडू के अंदर वो श्रीमान इस तरह घूम रहा है। वहाँ पर एक बूथ है, क्या स्कूल का नाम है? भारतीय कन्या स्कूल के अंदर भारतीय टेक कन्या स्कूल, तीन बूथ उसके अंदर बने हुए हैं। मैं अंदर गया वहाँ पर, अंदर जाके ये एक बूथ के अंदर घुसा हुआ था और इसके साथ बहुत सारे लोग थे, 50 जने लोग थे। मैं अंदर गया, मैंने कहा मंत्री जी किस कैपेसिटी में अंदर आए हो, किस कैपेसिटी में आप यहाँ से बाहर जाओ? कहता तू कौन था पूछने वाला, तू कौन? मैं कहा तू कौन की जरूरत नहीं है मेरे को, सीधी बात है मैं पूछ रहा हूँ, मेरे पास अथॉरिटी लेटर है मैं दिखा दूँ। मैं कहता है तेरे को क्यों दिखाऊँ मैं अथॉरिटी लेटर? मैं कहा मैं एतराज़ कर रहा हूँ, इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दिखा दो, इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमें, इसको दिखा दो ये कुछ है। उसी तरह दिखा मस्ती करता रहा, उसके लोग मेरे साथ धुक्का मुक्की करते रहे, मेरे साथ भी मेरे जवान लड़के थे उन्होंने मेरे को वहाँ से सेव किया। अगले बूथ में फिर घुस गया, वहाँ मैंने फिर प्रोटेस्ट की, पीओ को दोनों बार मैंने कहा इसको बाहर निकालो, पीओ ने कहा जी हम अभी बाहर निकालते हैं आप निश्चिंत रहो इसमें कोई बात नहीं। उसके साथ जो लोग कुछ अंदर थे, एक बंसल प्रधान था उसकी कैपेसिटी नहीं, जो लोहार था उसकी कोई कैपेसिटी नहीं, कुछ और ऐसे ही थोड़े से लोग थे वहाँ पर सारे के सारे थे। जैसे ही मैं बाहर आया देखा वहाँ पर कि 10 गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई थी, 2 गाड़ियाँ बिना नंबर की, और उसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ रोहतक में रोहतक का कोई भी आदमी उसके अंदर नहीं था, ना मैंने बैठे हुए उसको देखा उस बात के लिए। इमीडिएटली DSP को हमने वहाँ पर हमने आगे खड़े हो गए, हम उस कार्रवाई को हमने रोक दिया। रोकने के बाद हमने DSP को कहा इन गाड़ियों को इंपाउंड करो। लोकेंद्र फोगाट मेरे साथ था, अंदर भी मेरे साथ था, बाहर भी साथ था। कुछ लोगों ने उन गाड़ियों को डी फ्लैट करने की कोशिश की, मैंने कहा भाई डी फ्लैट हमने कुछ नहीं करना, हम सारी सुरक्षा को मानते हैं, सब कुछ मान लिए। 3 गाड़ियों में 2 पुलिस के कांस्टेबल 2 गाड़ियां ले गए, बोला जी इंपाउंड हो गई, हमने कहा अपना नंबर बता दे। एक गाड़ी DSP और इंपाउंड करके वहां पर जाके फिर हमने वहां पर उसके प्रोटेस्ट के नारेबाजी लगाई हुई उसी कार्रवाई के साथ, अब भी वहां पर घूम रहा है। और हम डिप्टी कमिश्नर से इस बात की कंप्लेंट करने के लिए आए हैं कि प्रजातंत्र की हत्या हो रही है और बदमाशों को साथ में लोके शहर के अंदर प्रजातंत्र में वोटिंग का माहौल ख़राब करना चाहता है ये आदमी। ये मेरे खुद भी थी और मेरा उससे वार्तालाप या कुछ है आमने सामने, मेरा खुद उसकी वीडियो है, वीडियो 15 मिनट के अंदर आप सभी जितने भी हैं सबके पास मैं अपने ऑफिस से भिजवा दूंगा, मेरी मेल से आपके पास वीडियो। इसमें अचल तिवारी को हमने डिमांड की है, डिमांड MP साहब बताएंगे क्या 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 डिमांड। इसमें जो ये बात स्पष्ट रूप से आई है, कि हमारे एक जो रोहतक के मंत्री है मनीष ग्रोवर जी, वो रोहतक में बूथ के अंदर
जबकि बूथ के अंदर कोई किसी कैपेसिटी में नहीं घुस सकता, कैंडिडेट जा सकते हैं या उसका इलेक्शन एजेंट जा सकते हैं, मगर यहाँ पे रोहतक के मंत्री बूथों के अंदर जा रहे हैं, बाहुबलियों को लेके जा रहे हैं, और जिस तरह का ये और सरकार वहाँ पे पुलिस प्रशासन कोई रोक टोक नहीं, कोई इस बात के लिए आज तक देश में मैं समझता हूँ इस तरह का प्रजातंत्र की हत्या का तांडव नहीं देखा गया होगा कि मंत्री बूथ के अंदर घुसे बाहुबलियों को लेकर और कोई पुलिस की तरफ से कोई या प्रशासन की तरफ से कोई रोक टोक नहीं। और ये हमने डीसी साहब को मैंने एक डेढ़ घंटे पहले जब यह रिपोर्ट आई थी पहली तब भी बताया था, रिटर्निंग अफसर है, अब दोबारा हम इनके पास आए कि भाई ऐसे प्रजातंत्र की हत्या नहीं करने दी जाए, ऐसे बूथों के अंदर घुसना किसी को अलाउड नहीं, और उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो, जो फौजदार का मुकदमा है, बूथ कैप्चरिंग का मुकदमा है, क्योंकि अंदर जाके बूथ कैप्चरिंग के ये इंटिमिडेशन के माध्यम से बूथ कैप्चरिंग के धाराएं उन पे लगाई जाए। और उसके अलावा जो उनके साथ एक व्यक्ति थे उन्होंने जो हमारे बार के पूर्व प्रधान जो जी थे उनको जो है एक तरीके से जान से की धमकी भी दी, तो इस तरह की तो उन्होंने जान से मारने की धमकियां तक भी दी, तो ये और खुली तौर पे जो वीडियो वगैरह सारे आपके सामने हैं, तो ये जो इस तरह का जो है एक एक बूथ के अंदर जाके मंत्री जी को किस परमिशन में अलाउड है, मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूँ कि इस देश में संविधान है कि नहीं है, कैसे मंत्री जी बूथों के अंदर जा रहे हैं, खुले तौर पे घूम रहे हैं, सवा घंटे से डेढ़ घंटे से हमने कंप्लेंट दे रखी है मगर कोई उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, मैं देश की मीडिया से पूछना चाहता हूँ, देश के मैं न्यायपालिका से पूछना चाहता हूँ किस कैपेसिटी में ऐसे इनको अलाउड किया हुआ है, और उसकी सारी वीडियो हमारे पास है, अंदर जाने का वीडियो, बत्रा साहब ने जब उनसे पूछा कि आप अंदर किस कैपेसिटी में, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं क्यों बताऊँ, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, मगर रोहतक की जनता ये जानना चाहती है और मैं आप लोग के माध्यम से बात अपनी पहुँचाना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन तक पहुँचाना चाहता हूँ, ये हमारी कंप्लेंट है, ये हमारी कंप्लेंट है जो आप रिसीव कराई, और फ़ोन पे मैंने एक सवा घंटे पहले मेरे फ़ोन पे बात हुई है, रिटर्निंग ऑफिसर जो डीसी है वो उस बात से नकार नहीं सकते कि फ़ोन पे बात हुई है, मगर उसके बावजूद उनको अभी तक कोई डायरेक्शंस नहीं दी गई और वो एक एक बूथ में रोहतक शहर में जा रहे हैं, और ये हमने अपनी प्रोटेस्ट करी है और अब हम जो इमीडिएटली ये भी डिमांड की है कि इमीडिएटली उसको रोका जाए, और हमने डिमांड करी है इमीडिएटली रोका जाए, वो नहीं रुके तो उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए अगर वो नहीं रुकते इस बात में। हमने ये कहा निर्वाचन अधिकारी से कि अगर आप नहीं कार्रवाई लोगे, अगर आप कार्रवाई करो, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे, और अगर आप नहीं करोगे तो हम न्यायपालिका में भी जाएंगे, क्योंकि ये प्रजातंत्र की हत्या खुले में हो रही है, मतलब इसमें कहीं तो हम कहां से हमें न्याय मिले, आप लोग के माध्यम से भी हम इसीलिए इस बात को उठा रहे हैं कि हमें न्याय कहां मिले जब यही कार्रवाई ना हो। तो आप बता रहे थे कि उनके साथ में कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी भी शामिल है, एक डीएसपी को जो कहा गया, तो डीएसपी को जब कहा गया तो जो है डीएसपी ने कोई उस बारे में कोई एक्शन डीएसपी ने उस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ भाई